सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपकट ऐप को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड भाई लोग मोबाइल वाला एप्लीकेशन से इसमें आपको कई सारा जो है फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके तो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, सारा कुछ बताऊंगा। ओके तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में एंड शुरू करते हैं। ओके सुबह लोग यार आ चुके हैं हम लोग अपने पीसी के स्क्रीन में। ओके तो सबसे पहले गाइस आपको अपना जो वाईफाई है कनेक्ट कर लेना है यहाँ पर। ओके तो देख सकते हो मेरा यहाँ पर कनेक्टेड है अभी। एंड उसके बाद जाना गाइस आपको सीधे क्रोम में। ओके मैं यहाँ पर क्रोम में चलता हूँ एंड सर्च करना आपको गाइस कैपकट डाउनलोड विंडोज़ 11 या आपका जो भी विंडोज़ है उस दे करके गाइस सर्च कर लेना। ओके एंड यहाँ पर आपको कोई भी एक वेबसाइट मिल जाएगा उसमें आपको घुस जाना है। सो किसी एक में आपको डायरेक्ट गाइस यहाँ पर घुस जाना है। ओके जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट वेबसाइट में घुस रहा हूँ एंड यहाँ पर नीचे चलते हैं गाइस। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपकट फॉर पीसी डाउनलोड। ओके जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो गया है अपना। ओके यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो अभी मैं पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है एंड तो मेरा सारा MB चला जाएगा। 333 MB देखोगे 300 से 500 MB के बीच आपका कोई भी एक कैपकट आपको डाउनलोड कर लेना है, इतना MB का होता ही है ये। ओके एंड इसको डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल भी काफ़ी सिंपल है, आपको डबल टैप करके इंस्टॉल कर लेना है एंड वहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा आपको दे करके गाइस इंस्टॉल कर लेना है। ईजी है बिल्कुल इंस्टॉलिंग प्रोसेस। ओके उसके बाद बिल्कुल कट करके आते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन में। इंस्टॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक लोगो आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। ओके एंड इस पर आप डबल टैप करोगे, जैसे मेरा ऑन है अभी तो मैं कट करता हूँ। पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कुछ इन्वायरमेंट आपका टेस्टिंग करेगा कि आपका कंप्यूटर कितना ज़्यादा हैवी है, मतलब अच्छा प्रोसेसर वगैरह ये सब। एंड उसके बाद गाइस इस टेस्टिंग करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म वाला ऑप्शन आएगा, इसको कन्फर्म कर देना। ओके एंड देख सकते हो मैंने कुछ इतने सारे जो वीडियोज़ इसमें एडिट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, मैं इसी से अब वीडियोज़ जो एडिट करता हूँ। ओके एंड यहाँ पर आपको स्टार्ट का, होम स्क्रीन का एंड साइन इन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको उसमें भी मिलेगा गाइस मोबाइल वाला वर्जन में सेम है बिल्कुल सेम। ओके उसके बाद गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके सो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं एंड देख सकते हो बिल्कुल कुछ इस तरीके का आपको गाइस इसका इंटरफेस मिलेगा पीसी वाले वर्जन में एंड मोबाइल में बिल्कुल अलग मिलता है गाइस एंड इसमें कुछ अलग मिलेगा आपको। ओके बाकी फीचर्स सारा सेम ही है गाइस, बल्कि आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा ही मिलेगा फीचर्स जो कि कम नहीं है। ओके सो यहाँ पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन है एंड यहाँ पर ये वाला विंडो में आपका जो स्क्रीन है वो वीडियो दिखेगा एंड यहाँ पर गाइस आपका ये टाइमलाइन है, सारा वीडियो आप यहीं से कट पुट कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर गाइस मैं पहले कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके सो देख सकते हो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पर वीडियो को इंपोर्ट करा एंड ये प्रीव्यू विंडो में यहाँ पर आ गया। ओके एंड इसको आप ड्रैग करके बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हो इस तरीके से। ओके एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसमें आपका जो है टूल बार है, आप जितना भी टूल है इसका यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये है टाइमलाइन। ओके एंड ये प्रीव्यू विंडो एंड इसमें आपको सारा कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है, कट वगैरह स्प्लिट का, पोजीशन का, बाकी स्पीड एनिमेशन ये सब यहाँ पर। ओके तो इस तरीके से गाइस आपको इसका इंटरफेस मिलेगा, आप इसमें जितना घुसते जाओगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर इसका एरो का ऑप्शन है, कर्सर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्प्लिट का बी है गाइस इसका कमांड जो है, जैसे मैं बी प्रेस करूंगा कीबोर्ड में ये स्प्लिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर। ओके यहाँ पर कट करूंगा तो ये कट हो जाएगा एंड कंट्रोल जेड से आप इसको हटा सकते हो एंड वापस अगर आपको ये जो कर्सर लेके आना है माउस का तो आप ए प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ओके एंड यहाँ पर डिलीट, स्प्लिट, अंडो, रीडो सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको। ओके एंड लेके चलता हूँ गाइस आपको कुछ फिल्टर्स की तरफ को, देख सकते हो यहाँ पर फिल्टर्स काफ़ी सारे हैं गाइस। ओके एंड यहाँ पर मैं एक फ़िल्टर ऐड करता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हो ये कितना मस्त लग रहा है ये वाला फ़िल्टर इसमें। ओके ओके एंड एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस आपको, यहाँ जैसे एडजस्टमेंट में गया एंड इसमें एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता हूँ एंड इसमें आपको लट्स मिल जाता है, देख सकते हो मैंने कई सारे लट्स भी इसमें ऐड करके रखा हुआ है, आप गूगल से इसको भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ओके यहाँ पर मैं जो 14 नंबर वाला लट है इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके एंड देख सकते हो गाइस एक झटके में कितना बढ़िया है इसको कलर ग्रेड कर दिया एंड मैनुअली आप एडजस्ट भी कर सकते हो इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑडियो, टेक्स्ट, सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गाइस इसमें।
आपका इंटरनेट जो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। एंड एक चीज़ बताता गाइस, अगर आपका जो ये नेटवर्क प्रॉब्लम बताता है तो आपको गाइस एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जो कि ये वाला गाइस स्पीडीफाई, ये VPN है। ओके, इसको कनेक्ट कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है, मैं फ्री चलाता हूँ अभी इसको। एंड आप इसको रन करना। ओके, सो इस तरीके का आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे देख सकते हो, इसमें होलो ब्लर वो देखने को मिल जाता है आपको, मोबाइल वाला में भी इसमें भी मिल जाएगा गैस, ठीक है, कुछ इस तरीके का। सो इस तरीके से गैस आपको जो इसमें आपको मोबाइल से भी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाता है इस वाले वर्जन में। एंड सारा कुछ कर लेने का गैस, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो कुछ इतना सारा फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि मोबाइल वाला वर्जन में आपको नहीं मिलता है। कुछ फीचर्स गैस उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ओके, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर टाइटल ये सब तो बेसिक्स हो गया है। इसमें देख सकते हो 4K, मेरा वाला जो पीस यानी कि मोबाइल वाला वर्जन था इसमें 4K मेरा अवेलेबल ही नहीं था। इसमें देख सकते हो 4K, 2K, 1080p सब कुछ अवेलेबल है। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस आपको ये भी मिलता है कि फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट कर सकते हो आप, सब कुछ ऑप्शन है गाइस। ओके, एंड यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेना है एंड ये वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप अपने PC में कैपकट ऐप को चला सकते हो बिल्कुल आसानी से गाइस, फ्री में एंड बिल्कुल मक्खन चलेगा गाइस आपका PC में। ओके, सो वीडियो अच्छा लगता है गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड ऐसे और वीडियोस चाहिए आपको कैपकट के ऊपर तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं वीडियो जरूर लेकर करके आऊँगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।